तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज आप फ्रेम में देख रहे हो स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल, और इस गाड़ी में आज लगने वाली है कार्डी की एम्बियंट लाइट, और कोटिंग वगैरह का भी इसमें काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करेंगे। और गाड़ी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रही है। कमेंट करके गाइस बताओ, पुरानी स्कॉर्पियो या नई स्कॉर्पियो आपकी कौन सी फेवरेट है। और अब सीधा अंदर चलते हैं, भैया से मिलते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या काम हो रहा है। अब आ गए गाइस सीधा शॉप के अंदर और मिलते हैं भैया से। तो भैया क्या करने वाले हैं आज स्कॉर्पियो में? ये स्कॉर्पियो इनका अपना टॉप मॉडल है, तो मोस्टली तो सारी चीजें कस्टमर की थी इसमें। इसमें एक हम एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं K4 10 pieces कार्डी की अपनी। एक इसमें हम बाहर डिटेलिंग कर रहे हैं, सेरेमिक कोटिंग का काम। तो इसमें फिलहाल ये दो और कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, डोर गार्ड्स एंड ऑल, बेसिक काम है बाकी सारा। तो भैया कोटिंग इसमें हम कौन सी कर रहे हैं और क्या फायदा रहने वाला है, क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एक थोड़ा सा बताओ। इसमें हम कर रहे हैं मिकवेयर ब्रांड की, जो उनके कंपाउंड्स आते हैं सेरेमिक के वो वाले। और इसमें हम लास्ट जो वैक्स का कोट करेंगे, दैट विल डू केमिकल गाइस का, तो लास्ट वैक्सिंग होगी। तो इसमें हमारे चार लेयर के प्रोसेस होंगे। पहला एक प्रोसेस होगा आपका अल्ट्रा फाइन पॉलिशिंग का, उसके बाद हम इसमें चढ़ाएंगे एक सिंथेटिक सीलेंट, मेकवेयर का प्रोडक्ट आता है, उसके बाद उनका एक आता है प्रो सेरेमिक कोटिंग का कंपाउंड, वो लगाया जाएगा, एंड एंड में हम लगाएंगे इसमें बटर वैक्स आपका केमिकल ग्रेड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भैया, कोई अगर आए शॉप पे ये कराने? देखो सेरेमिक दो तरीके की है, एक केमिकल बेस्ड है, जो मैं कर रहा हूँ वो केमिकल बेस्ड नहीं है, वो कंपाउंडिंग बेस्ड है। ठीक है, केमिकल वाली होती है, इसमें आप केमिकल से फोम पे लेके करते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा कि फोम पे लेके अप्लाई करते हैं बोनट वगैरह, डैशबोर्ड, गाड़ी के पूरे आउटर पार्ट। राइट, राइट। हमारा जो है वो मशीन से होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग वाला प्रोडक्ट है। बेनिफिट ये है आपका कलर मेंटेन रहता है, फेडिंग नहीं होती, माइनर स्क्रैचेस आपके कलर के पेंट फिनिश पे नहीं आते, कोट की लेयर पे रहते हैं। तो आप जब इसका एवरी 4 to 5 months रिपॉलिश कराते हैं गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए, तो वो फाइन स्क्रैचेस जो डेली सोल मार्क्स आते हैं सफाई में, वो आराम से रिमूव हो जाते हैं। तो एक ये बेनिफिट है। तो कोई भी भैया शॉप पे आ रहा है तो वो सिरेमिक कोटिंग का नाम ले सकता है कि ये सिरेमिक ही है? बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग वाली सिरेमिक है, ये करा सकता है, हमारा इसका नाम है टाइटेनियम कोटिंग। तो इसमें भैया ये वाली जो हमारी सेरेमिक है, इसकी लाइफ क्या रहेगी? सी देखिए, इसका डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस पे। अगर आप एवरी, जैसे मैंने बताया, 4 to 5 months पॉलिशिंग करा लेते हैं, तो आराम से 3 to 4 years आपकी इसकी लाइफ रहेगी। क्योंकि जब आप रीपॉलिश कराते हैं, तो सेरेमिक के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट आता है जो एवरी 4-5 months अप्लाई होता है, ताकि उसकी लाइफ एनहांस हो जाए। और वाटर जो आपका बीडिंग टेक्नोलॉजी है, जो पानी नहीं रुकता, वो करने के लिए आपको एवरी 4-5 months वो प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। क्योंकि जितने भी लोग ये कहते हैं 2 years चलेगी, 3 years चलेगी, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में आप कोई सी भी सेरेमिक करा ले, आपका वाटर बीडिंग का जो उसमें रहता है कि वाटर रुकता नहीं है, वो 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। उसके लिए तो उस स्पेसिफिकली उस चीज के लिए तो आपको वो टॉपअप कराना ही पड़ता है। कराना ही पड़ता है। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट भी हम दिखा देते हैं इसमें। जैसे दिस इज अ वेरी प्रीमियम ब्रांड यूएस का केमिकल गाइस, ये आपको बहुत ही लिमिटेड काउंटर पे मिलेगा, हर जगह नहीं दिखेगा आपको। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और यूएस का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड है पॉलिशिंग का, और इंडिया में अभी नया ही आया है, ज्यादा टाइम नहीं है ऐसे। तो इसकी ये बटर वैक्स है गाड़ी पे, अगर आपको ग्लॉस के लिए जो लास्ट में हम वैक्स लगाते हैं, वो बहुत ही अच्छी शाइन है इसकी। फिर इसका एक ये प्रोडक्ट आता है पेंट फिनिश करेक्शन का, जैसे पेंट करी कोई गाड़ी न्यूली पेंटेड है सपोज, आजकल कंपनी फ्रेंड में भी आप देखते हैं टाटा वगैरह में बहुत कंप्लेंट आती है पेंट फिनिश की, कि पेंट सही से नहीं हो रखा, तो दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर जो पेंट में हल्के फुल्के डिफेक्ट है उन्हें ठीक करने के लिए, दिस इज पेंट करेक्शन। ये हो गया आपका ऑप्टिकल ग्रेड हाइब्रिड कंपाउंड, ये थोड़ी पुरानी गाड़ियों के लिए हो जाता है, जिसमें स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा है और गाड़ी में डलनेस ज्यादा है, जो थोड़ी 3-4 years पुरानी हो चुकी है, तो ये थोड़ा हार्ड कंपाउंड है, आपके क्लियर कोट को खराब नहीं करेगा, ये सारे क्लियर कोट सेफ प्रोडक्ट है, बट हार्ड कंपाउंडिंग चाहिए जो गाड़ी बहुत ज्यादा डलनेस है, जिसमें रफनेस ज्यादा है। फिर ये आपका जो मैं टॉपअप वाली बात बता रहा था, तो ये मिकवेयर का बीड बूस्टर है, जो एवरी 4-5 months जब आप, या पर्सनली DIY प्रोडक्ट आप घर पे भी कर सकते हैं, ये आप एवरी 2-3 months अप्लाई कर सकते हैं स्प्रे करके और वाइप कर सकते हैं, तो आपका वाटर का जो बीडिंग टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाता है, इफेक्ट ज्यादा रहेगा उसका। फिर ये बड़े गैलन्स आते हैं, देखिए ये तो DIY नहीं है, ये आपको मशीन से ही कराने हैं। ये अल्ट्रा कट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको ये ऑप्टिकल हाइब्रिड बताया था, वैसे ये भी थोड़ी पुरानी कार्स के लिए होता है, जिनमें बहुत डलनेस है, बहुत स्क्रैचेस हैं, बहुत मार्क्स हैं उनके लिए। फिर इसमें आता है सिंथेटिक सीलेंट, प्रो सेरेमिक कंपाउंड, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंडीशन गाड़ी में देख के डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से यूज करते हैं।
तो सिरेमिक में भैया जैसे हमारे पास कुछ लेवल्स होते होंगे कि मान लो हमें केमिकल गाइस का सिरेमिक करवाना है या फिर हमें मैग्वायर्स का कराना है, तो इनका डिफरेंशिएशन किस हिसाब से है और फिर उसी में प्राइसिंग किस हिसाब से चलती है? आपको बताऊं, मैग्वायर आपका लिक्विड बेस्ड सिरेमिक भी ला चुका है, उसकी भी किट आती है, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है। केमिकल गाइस का अभी लिक्विड बेस्ड सिरेमिक नहीं आया है, अभी सिर्फ ये कंपाउंडिंग वाले प्रोडक्ट्स आए हैं। प्राइसिंग की बात करें तो अप्रॉक्स मैग्वायर और केमिकल गाइस में आपको डिफरेंस मिलेगा 5-10 हज़ार रुपए का। केमिकल गाइस थोड़ा महंगा पड़ता है, सेकेंड बेस्ट में मैग्वायर आ जाता है, फिर बेसिक में वर्थ हो गया, 3M हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, टर्टल हो गया, बट टॉप एंड में जाना है तो मैग्वायर एंड केमिकल गाइस काफी हाई एंड ब्रांड्स हो गए। तो एक भैया एक कुछ व्यूअर्स को हमारे जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में सिरेमिक अगर हम केमिकल गाइस जो हमारा टॉप ब्रांड है उसकी करवाते हैं तो एक अप्रोक्स क्या कॉस्ट आ सकती है? एस्टिमेट कॉस्ट अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, शोरूम से आई है, तो अराउंड 20-25। ठीक है, ये हो गया ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए। और अगर कोई पुरानी गाड़ी है तो उसमें ऑब्वियसली स्क्रैचेस वगैरह ज्यादा होते हैं, उसमें आपका तो कंपाउंडिंग भी हमारी बढ़ जाती है। हाँ, तो थोड़ा काम उसमें बढ़ जाता है, तो उसकी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली डिफर करती है। सेकेंड प्रोडक्ट गाइस रहने वाला है हमारा कार्डी की K4 एम्बियंट लाइट्स। तो ये भैया 10 पीस वाला है, 10 पीस लगा रहे हैं हम इसमें, ठीक है, डैशबोर्ड और फ्लोर्स पे। ठीक है, तो कार्डी की भैया K3 सीरीज में जैसे सुनने में आ रहा है बहुत लोगों से फ्लिकरिंग का इशू आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें, क्या चीज है और क्या वो K4 में भी है? सी देखिए, K4 में मुझे अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, आपको सबसे फर्स्ट लगा ही आपको कोई कंप्लेंट आज तक नहीं है। बिल्कुल, K3 में मैं बता के भेजता हूँ कस्टमर को कि फ्लिकर होगी, हर वक्त नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में होती है, बट इसका मतलब ये नहीं लाइट खराब हो गई है, लाइट सही चलती है, कभी कभी इट फ्लिकर्स, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे से जो भी आ रहा है प्रोडक्ट वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है या कुछ कैच कर लेता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऐप कंट्रोल है, तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी से लेके इशू है जो बीच बीच में वो फ्लिकर करती है। ठीक है, तो आज वाली भैया एक बार दिखा देते हैं कि कैसी दिखती है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी जो पहली बार देख रहे हैं तो ये आप देखो गाइस, बहुत पतली स्ट्रिप है, प्रीमियम लगती है, फिट होने के बाद सिर्फ आगे का व्हाइट पार्ट नजर आता है, तो नजर भी नहीं आती लगी भी, बहुत नीट फिटिंग आती है, जो वो ऑप्टिकल फाइबर वाली तो बहुत चीप लगती, वो तो पुराना हो गया, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है और लाइट की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। और ये इसके फ्लोर पे आ जाते हैं, दो आगे दो पीछे, बहुत छोटा सा ही मॉड्यूल है, अच्छी लाइट आती है। और इसमें भैया लाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? ऐप है हमारे पास, ऐप से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स और वेरिएशंस हैं वो आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ फ्लोर की अलग ऑफ करनी है वो आप ऐप से कर सकते हैं, प्लस आपके पास इसमें ब्राइटनेस के साथ साथ म्यूजिक पे भी ये चलती है, तो म्यूजिक के आप के लिए आप माइक की सेंसिटिविटी कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितना माइक सेंस करे और ये प्ले करे, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो गाइस पूरा प्रोडक्ट रहने वाला है, ये हर दरवाजे के लिए एक मॉड्यूल होता है इनका, और 5 इसमें स्ट्रिप्स होंगी जो कि एक डैशबोर्ड की और 4 डोर्स की हो जाती है हमारी। ठीक है, और इसमें भैया एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कार्डी की जो भी लाइट आ रही है उसमें हर लाइट में हमें अलग अलग एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन मिल रहे हैं ना, मतलब किसी में बटन होता है, किसी में टच सेंसर होता है, वेरियस इंपोर्टर्स, अलग अलग इंपोर्ट होता है, किसी किसी में कुछ एप्स चल रहे हैं, किसी में कोई है, सब कार्डी का ही, बट एप्स अलग अलग चलते हैं, बटन K4 में तो आ ही नहीं रहा, K4 में कोई बटन नहीं आता, कोई रिमोट नहीं आता, K3 में बटन आता है और कभी कभी बटन के साथ रिमोट भी आ जाता है, तो वो K3 के अंदर होता है। तो ये मैं मतलब वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट देखो, काफी लोग आके हमें कहते हैं भाई इसमें बटन नहीं है, तो देखिए ये इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट, हर वक्त सेम अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आप मान के चलिए ऐप कंट्रोल्ड है, बटन या रिमोट आपको नहीं मिलेगा K4 के अंदर। और K4 में पहले हमारा वॉइस कमांड भी आता था, जो मेरी वाली गाड़ी में लगी है उसमें वॉइस कमांड्स भी चलते हैं, तो गाइस इसमें बस कार्डी में यही है कि आप ऐप जो एक चीज है वो कॉमन है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐप कंट्रोल, बाकी चीजें हैं वो हो सकता है आपके पीस में निकले, हो सकता है ना निकले, हाँ इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको स्कॉर्पियो में कहाँ कहाँ फिटिंग हो सकती है लाइट की। तो ये आप चेक करो गाइस स्कॉर्पियो N का डोर, तो उसका गत्ता हमने खोल रखा है और यहाँ पे ऐसे कुछ ये कवरिंग आपको मिलती है, ये कुछ फोम सा मटेरियल है, तो आई डोंट नो ये साउंड वगैरह में और वाइब्रेशन में कितनी हेल्प करता होगा, बट
थोड़ा बहुत तो इसमें फ़र्क पड़ता ही होगा। अब मैं आपको एक बार इसका डोर दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ फिटमेंट हो सकती है वो बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ रखा है स्कॉर्पियो एन का फ्रंट डोर। तो भैया इसमें कहाँ कहाँ पोजीशन बन सकती है स्कॉर्पियो एन में एम्बिएंट लाइट की? फिलहाल जो हमने प्लान करा है वो यहाँ पे करा है, जो डिसेंट भी लगता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, एक और जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आराम से लग सकती है, इन दोनों जगह लग सकती है। और बंदा चाहता है सिर्फ इतना सा पार्टी लगाना है तो यहाँ भी लग सकती है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, इसमें तीन जगह भैया ने बताई है। एक तो हो गया आपका ये वाला पार्ट, सेकंड अगर किसी को बहुत छोटा सा चाहिए तो यहाँ, और थर्ड यहाँ। तो तीन इसमें ऑप्शन बनते हैं, बाकी ओनर जो बोलेंगे हम उस हिसाब से फिर वर्किंग करेंगे। और डैशबोर्ड में भी हमारे पास दो लोकेशंस हैं। ठीक है, तो अभी काम होने देते हैं गाइज, और सीधा आपको अब गाड़ी कम्प्लीट होने के बाद दिखाता हूँ। इस गाड़ी हो चुकी है कम्प्लीट और मैं आपको लुक चेक कराता हूँ। रियर से स्टार्ट करते हैं, तो ये चेक करो गाइस, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है स्कॉर्पियो एन के अंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये लाइट कंपनी से आती हो। नीचे आप देख सकते हो फुटवेल की, तो ये 10 पीस वाली है, तो इसमें आपको यहाँ पे डोर हैंडल में और कपहोल्डर में लाइट नहीं मिलेगी, एक स्ट्रिप है और एक लाइट आपको नीचे, सेम ही आप देख सकते हो उस साइड भी है। अब मैं चेक कराता हूँ फ्रंट का आपको, और यहाँ पर चेक करो हमारे सेंटर कंसोल की लुक। ये नीचे फ्लोर वेल की लाइट हो गई, और ये आप देख सकते हो फ्रंट डोर की। तो पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट भी हिडन है, और बिल्कुल OEM फिनिश इस लाइट में आ रही है। और स्कॉर्पियो में हमने जैसा बताया था कि एक पोजीशन यहाँ पर भी बनती है, आपने कई गाड़ियों में देखी होगी, तो ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ भी लगवा सकते हो। और इस कस्टमर का चॉइस इधर था तो उन्होंने इधर लगवाई है। तो भैया इसका ऐप दिखा सकते हैं हम? हाँ, इसका ये ऐप जो आता है आपका LED लैम्प के नाम से ऐप आएगा इसका, ये आप शो कर सकते हैं। है, इसमें आप जाएंगे, ये आपका ऐप आ गया। इसमें अलग अलग मोड्स हैं, आप काफी सारे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मोड्स आते हैं इसके अंदर। इसमें फ्लोर की लाइट अलग कंट्रोल करनी है वो आप यहाँ RGB पे आके कर सकते हैं, तो फ्लोर का पैटर्न अलग से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मल्टीपल वेरिएशन है, म्यूजिक पे भी चलेगी, तो काफी सारे ऑप्शन आएंगे। और आप अगर फिटिंग भी देख रहे हैं तो स्कॉर्पियन में इसकी फिटमेंट बहुत अच्छी है, काफी अच्छी फिटिंग आई है, कहीं से भी ऑड नहीं लग रही, कहीं से भी स्ट्रिप नजर ही नहीं आ रही, बहुत अच्छी नीट फिटिंग है। इसके कुछ एक बार मोड्स दिखा देते हैं भैया, दो तीन, जैसे कि हमारा एक मोड, चलो हम कुछ चेंज करके देखते हैं। एक ये मोड हो गया आपका, इसमें ये आपका सिर्फ ग्रीन कलर का मोड है। हाँ, मैं आपको और भी अलग अलग मोड दिखा देता हूँ। एक मोड आप ये देख सकते हो गाइस, तो ये K4 की खासियत है, जो इसमें ये आपको स्कैनिंग फीचर मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, हंड्रेड ऑफ वेरिएशन है, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें सेट कर सकते हो। एक और कोई मोड दिखाते हैं आपको, ये चेक करो। और इसका कार्डी K4 का जो साउंड के साथ आपका बीट के साथ जो लाइट की मैचिंग है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत एक्यूरेट है। बाकी लाइट्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि वो साउंड के साथ चल रही है, बीट पे चल रही है, बट एक्चुअल में वो अपने हिसाब से ही हिल रही होती है। बट कार्डी K4 में बहुत अच्छा सिंक है साउंड के साथ भी। बाकी भैया इसमें जो हमने एक आध वीडियोज़ ऑनलाइन देखी हैं स्कॉर्पियो एन में एम्बिएंट लाइट्स की, तो जिन लोगों ने यहाँ पर लाइट लगाई है तो यहाँ पे कोई क्या दिक्कत है लगाने में, या अच्छी नहीं लगती, या फिर सब कुछ ओके है? यहाँ पे भी इजी है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, काफी लोग लगा भी रहे हैं, कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था यहाँ ना लगाने का, ये आपके डायरेक्ट आंखों के बिल्कुल सामने है, राइट। आप ड्राइव कर रहे हो तो बिल्कुल डायरेक्ट आपके आंखों पे आ रही है। अभी हमने जैसे नीचे प्लेस करी है तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट आईज पे स्टेयर नहीं आएगा, ऊपर लगाओगे तो आपको ड्राइविंग में इशू आ सकता है, इस वजह से हमने ऊपर नहीं प्रेफर करी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइस अगर किसी को यहाँ भी लगवानी है तो आपकी चॉइस है, लगवा सकते हो। कार्स देखते हो तो उसमें हमेशा एक पार्ट इधर आता है, एक पार्ट राइट साइड पे आता है, कभी भी पूरे में नहीं आता, थोड़ा डिसेंट भी लगता है ये देखने, राइट। और एकदम आई लेवल पे तो ये डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाएगा, स्पेशली जो इसके मोड्स हैं तो काफी डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है।
तो यही थी गाइज वीडियो स्कॉर्पियो एन की मॉडिफिकेशन की। अभी इसमें और बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत गाड़ियां आने वाली हैं जिसकी हम एक एक करके आपको वीडियोस दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।